जो आपको नहीं चाहिए मगर वो आपके जीवन में है, उसके बारे में मैं अभी बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन उन्मुक्ति महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत बार हम शिकायत करते रहते हैं, मुझे जो नहीं चाहिए मेरे लाइफ में मगर है। जैसा फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे नहीं चाहिए कि मेरे घर वाले लोगों ने जो हमारे कार की चाबी रहती है वो इधर उधर नहीं डालना चाहिए, मगर वो डालते हैं इधर उधर। फिर मुझे ढूंढना पड़ता है कि भाई चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, वो देखना पड़ता है कि भाई की कहाँ है। या मुझे मेरा वजन कम करना है, वजन नहीं चाहिए उतना मगर है। लोगों का स्वभाव जो है, पति पत्नी का स्वभाव, पति का स्वभाव जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मगर है, झगड़ालू है, क्या करें। तो बहुत सारी बातें आपकी ऐसी होती है कि जिसके बारे में आप शिकायत करते रहते हो, शिकायत करते रहते हो, शिकायत करते। मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा पति वैसा है, मेरा दोस्त वैसा है, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा कस्टमर ऐसा है। काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हम करते रहते हैं और वो कंप्लेंट्स जो है उसके बारे में करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट करते रहते। तभी हमको ये देखना है कि जब हम कंप्लेंट करते हैं तब हम एक्शन लेते नहीं इसलिए कंप्लेंट है, या एक्शन लेना नहीं है इसलिए कंप्लेंट करते रहते हैं। कंप्लेन जब करते हैं तो बताते क्या है कि देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। बाहर से क्या बता रहे, देखो मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है। पीछे से क्या है, तकलीफ हो रही है तो सहन क्यों कर रहे भाई, तकलीफ सहन क्यों कर रहे है? इसका मतलब पीछे से कुछ ना कुछ आपको उसके जरिए फायदा मिल रहा है, या कुछ ना कुछ कंफर्ट है, कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही रहा है। जब नुकसान हो रहा है, ऐसा आप बोल रहे कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तकलीफ है, तकलीफ है, तो कुछ तो भी फायदा तो हो ही रहा है। तो फायदा क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो फायदा ये है कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो मैं राइट हूं और सामने वाला रॉन्ग है, मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, मैं सत्य बोल रहा हूं सामने वाला असत्य है। मतलब इस तरह का रहता है कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है। दूसरा यह है कि जब मैं कंप्लेन करते रहता हूं किसी के बारे में तो मैं उसके ऊपर हावी हो जाता हूं, मैं उसकी गलतियां बताता हूं, उसको दोष देता हूं और मैं कैसा सुपीरियर हूं बोलता हूं और मैं उसको डोमिनेट करता हूं। फिर मैं ऐसे कंप्लेन क्यों करता हूं वो भी मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा, वो भी मैं उसको मतलब बता दूंगा, जस्टिफाई करूंगा कि भाई मेरा कैसा जायज है बोलना और किस तरह का मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसा मतलब ठीक है, और उसका मैं समर्थन करूंगा और वो भी ठीक है ऐसा बता दूंगा। और ये सब करते करते मैं जीतता हूँ और सामने वाला हार जाता है। तो फिर ये कंप्लेंट जो है बुरी है क्या? कंप्लेंट बुरी नहीं मगर वो हमारे स्वभाव का एक हिस्सा ही है। कंप्लेंट कंप्लीटली इनऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि बाहर से बताते तकलीफ हो रही है, अंदर से फायदे हो रहे हैं। अभी ये तो कही है मगर उसके पीछे नुकसान कितना हो रहा है हम देखते नहीं है। नुकसान ये है कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है। जब हम बात करते हैं लोगों से तो ठीक लगता नहीं है, जोश नहीं रहता है, जुनून नहीं रहता है, उत्साह नहीं रहता है, कोई करने की इच्छा नहीं रहती है, संबंध वो व्यक्ति से खराब हो जाते हैं क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं, उसकी गलतियां बताते हैं, वो अपनी फिर गलतियां बता देंगे, संबंध खराब हो जाएंगे। और फिर ये सब करते करते सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा खुल के जीवन नहीं जीते हम, समाधान नहीं है, संतुष्टि नहीं है और अपनी तबीयत खराब करके लेते हैं। तो ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जिम्मेवारी टालते रहते हैं। जिम्मेवारी टाल देना, कंप्लेन करना, एक्शन लेना नहीं, और उसमें तकलीफ भी सहन करना, नुकसान भी कर लेना, मगर नुकसान होता है दिख रहा है तभी भी कंप्लेन करते जाना, शिकायत करते जाना, ये हमको बंद करना होगा यदि हमको पावरफुल जीना है तो। और पावरफुली जीना है इसका मतलब जवाब जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जवाबदारी लेनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी, और एक्शन लेके उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। या तो फिर कंप्लेन करते बैठो और अपनी तबीयत खराब करो मानसिक और शारीरिक। उसमें क्या करना पड़ेगा कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है वो ड्रॉप कर दो, वो छोड़ दो। और जब वो आज छोड़ देंगे कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है वो छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर वहां कुछ तो भी नया रास्ता दिखेगा, क्या करना है वो दिखेगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ वो दिखेगा, और मैं उस तरह से फिर जीवन जी सकता हूँ, एक नई संभावना की खोज करके, नई संभावना निकालूंगा। कुछ संभावना हो सकती है कि नहीं भाई इसके बाद में मैं प्यार से रहूंगा, इसके बाद में मैं दोस्ती से काम करूंगा, इसके बाद में मैं कॉन्फिडेंस से काम करूंगा, जो भी है वो, तो वो संभावना डेवलप करनी है और वहां से मेरा लाइफ जीना है। कंप्लेन करना, शिकायत करना कोई बुरा नहीं है, शिकायत हम करते ही रहते हैं और हम प्रेजेंट भी नहीं है उसको कि हम शिकायत कर रहे हैं करके, ठीक है ना। तो आज से शिकायत बंद, जिम्मेवारी लेना, एक्शन लेना चालू करो, पावरफुल जीना हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।